अरे भाई, हनुमान जी के पहरेदार ने रोक रखा है यार, जाने नहीं दे रहे हैं। क्या करें, देखो लटक जाएंगे हमको। दो बार लटक चुके हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं। हनुमान मंदिर के पास आ चुके हैं, बहुत बड़ा स्टेचू है। मंदिर के पास ही कुछ सामान दिख रहा है भाई साहब। वहाँ पे एक ने चश्मा ले लिया, चलो भाई ले लो। उसे कुछ खाने के लिए दीजिए, वो दे देगा आसानी से। मेरे को भी ले लिया था, आपको भी ले लिया था, वीडियो भी रिकॉर्ड किया हमने। और फिर चश्मा दिया, कुछ देने पड़ता है उसे खाने के लिए। वो तो जेब में डाल ही दिया। उसको खाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोगों सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस टाइम मैं हूं मेन सिटी ऑफ शिमला। तो देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है कल के मुकाबले। तो देख सकते हैं पहाड़ी इलाका दिख रहा है, बीच में बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो बादल का व्यू कुछ इस तरह है, शायद आपका नज़र आए तो ठीक है। ऐसा कुछ गली है शिमला में, और रोड की जैसा है गली, क्या बोल सकते हैं। कुछ नज़ारे। फाइनली गाइस, बगल में एक चर्च था, ये यहीं पे आ गया मैं। और कह सकते हैं कैमरा के लिए परमिशन लिए, तो बोल रहे हैं कि कर सकते हैं आप कैमरा। तो कुछ इस तरह है, देख लीजिए चर्च। कैथोलिक सॉन्ग ये बज रहा है। वाह, स्टैचू ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का है स्टैचू। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा स्टैचू है, कितना अच्छा प्लेस है। और ये हो गया चर्च, जहाँ मैं आना चाहता था। इसको अभी मैं एक्सप्लोर करूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू है ये, देख सकते हैं। 1924 से 2018 में इनका मृत्यु हुआ था, 1924 में इनका जन्म हुआ था। तो कुछ इसी तरह है, मॉल रोड के पास ही है, मॉल रोड शिमला में ही है। और बगल में चर्च है जो आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा देर में। और ये कुछ व्यू हो गया जो आप घर से लुप्त नहीं उठा सकते हैं, इसको लिए आपको शिमला आने पड़ेगा। फिर देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग फील हो रहा है। फ्रेश छोटे छोटे बच्चे, कुछ ट्रेडिशन है यहाँ से। हिमाचली ड्रेस है जो कल वाले ब्लॉग में आप देख पाएंगे, वो हम रिकॉर्ड किए हैं। ये राजेश ठाकुर हो गए। वाह, ग्रेट, गुड। अभी हम यहाँ पे हैं, साथ में देख सकते हैं कितना क्लियर व्यू है। और वहाँ पे जाने वाले एक स्टैचू दिखाई दे रहा होगा आपको, वो शायद कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। खैर, अभी हम मॉल रोड का खूबसूरत व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ही तक रहने वाला हूँ शिमला में, देख सकते हैं किस चीज़ का। इंदिरा गांधी हो गई, ये उनका स्मृति मीन्स उसका मूर्ति है। और कुछ व्यू देख सकते हैं, एनसीसी का तैयारी चल रहा है इधर, एनसीसी का परेड वगैरह है, परेड वगैरह चल रहा है। झरना है जो बहुत खूबसूरत बना रहा है। और देख सकते हैं परेड वगैरह भी चल रहा था, ये देख सकते हैं एनसीसी का सारा चीज़ है। अब बगल में लोग हैं बहुत सारे जो देख रहे हैं। और ऐसा कुछ माना नहीं किया जा रहा है, होता है कि बिहार में होता है कि रिकॉर्ड भी नहीं करने देगा और माना करते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं है। देख सकते काफ़ी सुंदर। Yeah.
परेड हो रहा था जो अभी मैं दिखाया वो परेड हो रहा था भाई, इतना टफ मैं अभी इससे पहले कभी नहीं देखा था ऐसा परेड होता है एनसीसी का, तो ख़तरनाक था भाई। मैंने देखा बहुत ख़तरनाक था ये। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि बिहार पुलिस का कैसा होता होगा हमारे स्टेट बिहार में, और ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में कैसा होता होगा सब पुलिस का परेड। तो भाई ख़तरनाक था, इससे पहले मैं कभी नहीं देखा था। तो खैर मॉल रोड से ऊपर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं आगे जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं है कहाँ जाना है, घूम रहे हैं अगल बगल ही घूम रहे हैं। तो थैंक यू। हेलो गाइज, बहुत को लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके घूमते हैं, इतना शिमला है ये सब जाने में खर्चा तो होता ही है, बट हम एक बजट ट्रैवलर हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ मैं। ऐसा लगता है मेरा प्लान रहता है सारे दिन का, पर डे मैं 500 से कम ही खर्च करता हूँ ऐसे, और ज़्यादातर लोग कोच सर्फिंग पे स्टे के लिए सोचता हूँ। ऐसा होता है कि रूम वगैरह लेना पड़ जाता है कभी का, और लोकल से मिलते हैं तो फ्रेंड बनाते हैं और स्टे के लिए अलाउ कर देते हैं, सिंपली है। तो ऐसा नहीं है कि घूमने में बहुत खर्चा होता है, ऐसा सोचना भी मत, घर से निकलो फ्रेंड बनाते चलो और कम से कम पैसा में ट्रैवलिंग करो, ना कि ज़्यादा पैसा में तो सभी लोग कर सकते हैं, बट आप कितना आप स्ट्रगल कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, हम्बलफुल होते हैं, उनसे मिलोगे अजीब महसूस होगा, अपना एरिया से बाहर निकलोगे तो बातचीत में बहुत सारे चीज़ में चेंजिंग आता है, आप उसको और जो आपने टीवी पर देखते हैं मोबाइल पर देखते हैं वो नेगेटिव मोस्टली होते हैं, तो कुछ नेगेटिव पार्ट भी होते हैं, आप जाकर वहाँ देखते हैं तो पॉजिटिविटी दिखाई देता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ट्रैवलिंग इजी वे में कीजिए, कम बजट में कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हम अंदर अगले टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि लिफ्ट लेकर भी अब ट्रैवलिंग करता हूँ, बाकी कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलता है तो बस वगैरह को पैसा पेड कर हम चल जाते हैं अपना डेस्टिनेशन के पास, तो बस वगैरह की हेल्प लेना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर वक्त पैसा ही खर्चा करने पड़े, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी मत, और ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगा। ओ हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं श्री हनुमान मंदिर जाकू, तो जाकू JAKHW जाकू, तो हनुमान जी के मंदिर है, वहीं जा रहा हूँ, मंदिर दर्शन करेंगे मंदिर में, उसको बाद फिर मॉल रोड के पास जाएंगे, फिर रूम पर जाएंगे मीन्स होटल, वहाँ से बैग लेकर निकलेंगे, फिर न्यू बस स्टैंड शिमला, वहाँ से बस मिल जाती है कालका के लिए, फिर कालका से निकलेंगे जम्मू, तभी वो 7:25 में मेरा ट्रेन है शाम को, और उसका टिकट तो ऑनलाइन हम काट लेंगे। तो खैर यही मेरा जर्नी यही है शिमला में, और यहीं तक था, लास्ट है जो हनुमान मंदिर जाके दर्शन करेंगे, और मंदिर जहाँ जाता हूँ पहले मंदिर खोजने की कोशिश करता हूँ कि पीसफुल और माइंड स्थिर रहता है, और बस यही बोलना चाहूँगा। हेलो गाइस, आपको श्री हनुमान मंदिर में स्वागत करता हूँ, और ये श्री हनुमान मंदिर हो गया, जा रहे हैं भाई, मेरा चश्मा मैंकी लेकर चला गया, अब इसको भाई साहब से ले रहा हूँ, और चश्मे लेकर चला गया, देखिए वो चश्मा ले रखा है, जेब में डालो, और दे दिया चश्मा, ठीक ओके। इसे कुछ देना पड़ता है विश खाने के लिए, तभी चश्मा लौटाया, अभी लेकर चला गया छिन कर।
भाई हुआ क्या, यहाँ पे आए तो चश्मा पहन कर आए थे, बंदर मेरा चश्मा लेकर भाग गया। मतलब सोचने का टाइम नहीं दिया कि हाँ चश्मा खोलना पड़ेगा। एक भाई समझा रहे थे कि चश्मा खोल दो खोल दो, बोलते ही वो खींच लिया। तो खैर ऐसा कुछ हुआ। अब फिर इस चश्मा को लौटाने के लिए उसको कुछ खाना देना पड़ता है, तो 20 रुपये के मैं जो फुट्ठा वगैरह था वो लिया और दे दिया, और वो चश्मा आसानी से भी दे दिया। लगता है कि कुछ है माइंड कि कुछ खाने के लिए मिलेगा तभी हम लौटाएंगे, ऐसा कुछ। तो भाई साहब एक ख़तरनाक हुआ मेरे साथ, सोचने का टाइम भी नहीं दिया। खैर हनुमान मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। बंदर मेरा रास्ता रोक रखा है, जाने नहीं दे रहा। प्लीज़ 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 जाने दो। देखो भाई साहब ये बंदर था, अभी मेरे में लटक गया था। देखो आ रहा है, आ रहा है, पीछे से आ रहा है, अटैक करेगा। अरे भाई हनुमान जी के पहरेदार ने रोक रखा है यार, जाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें। देखो लटक जाएंगे हमको, में दो बार लटक चुके हैं ऑलरेडी। ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर के पास आ चुके हैं। बहुत बड़ा स्टेचू है, बहुत बड़ा स्टेचू है। थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँगा। अभी हम मंदिर के बाहर घूम रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा है। ये बंदर ने तो कैमरा छीन ले रहा है यार, क्या करें, रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहा है। काफ़ी परेशान करके रख दिया है ये बंदर, डर रखता है कि कहीं छीन कर लेकर भाग जाए। दो बार कैमरा में हाथ लगा चुका है ऑलरेडी, और उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि वो पुलिस भी था, सिक्योरिटी था, वो बोल दिया, ऐसे लिखा हुआ था कि बंदर को खाना नहीं देना है, बट बिना दिए हुए कैमरा या ग्लास नहीं देता है। मेरा चश्मा छीन लिया था तो बिना दिए हुए नहीं देता है। तो भाई देख सकते हैं काफ़ी बंदर है यहाँ पे। हेलो गाइस, अभी आ चुके हैं हनुमान जी के बगल ही में ही पार्क, छोटा सा है तो यही पार्क में आ चुका हूँ। और ये शौचालय वगैरह भी सुविधा है यहाँ पे। तो ये हो गया जाखू, जाखू मॉल रोड से जस्ट ऊपर ही है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह चल रहा है। खैर हम अकेले भाई, मेरा तो कम ही उम्मीद रखो कि फुल फ़ोटो होगा, पर लोग गाइस बहुत लोग मिलते हैं, उनसे रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि भाई थोड़ा फ़ोटो खींच दो ना, तब खींचते हैं, मतलब बोलने पड़ता है उनसे। देख सकते हैं हरा फूल वगैरह, वाह ग्रेट। अच्छा मंदिर के पास ही कुछ सामान बिक रहा है भाई साहब, वहाँ पे एक चश्मा ले लिया, देखो देखो। उसे कुछ खाने के लिए दीजिए, वो दे देगा आसानी से। मेरे को भी ले लिया था, आपको भी ले लिया था, वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। और फिर चश्मा दिया, कुछ देने पड़ता है उसे खाने के लिए, वो तो जेब में डाल ही दिया। उसको खाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। हाँ फेंक दो फेंक दो। हाँ दे दिया, गो। अच्छा थैंक यू, खा तो दिया उसको। फाइनली गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, और फिर बंदर तंग करने वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये हो गया मूर्ति हनुमान जी का। बंदर लोग भाई यहाँ कुछ चलने नहीं दे रहा है मेरे को, ऐसा बोल सकते हैं झपेटा मार रहा है। एक तो एक लपड़ तो आँख पे मार दिया, और चश्मे छीन कर लेके भाग गया था। एक भाई साहब के भी फिर लेके भाग गया था, वो मेरे को दे रहे थे कि कुछ खिलाने के लिए दे रहे थे कि आप जाइए आपको चश्मा दे देगा, तब गए मेरे से होने वाला नहीं है, डर लगता है। एक लपड़ा मार दिया है तो वैसे आँख दर्द दे रहा है अभी। तो खैर देख लीजिए बैठा हुआ है सामने से।